संडे, तो बस लगते हैं अपने काम पे। और आज कुछ स्पेशल तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन करने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से तेल लगा लिया है, कान को थोड़ा आराम दे रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जो पहनी थी शादी में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आराम देना। Everything that brought me alive, but we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. और ये जो दही का थिकनेस है, वाह, बहुत ज्यादा। दीदी को ये दही बहुत ज्यादा मूंगफली नहीं पसंद। हाँ, मूंगफली आपको नहीं। लो जी, लॉकडाउन का कार्य। लेकिन सच बताऊँ, बहुत मजा आ रहा है। ओ देखो, बर्तन मांजने में मम्मा को बड़ा मजा आ रहा है, बता भला। पूरा झाड़ू पोछा और बर्तन करने में जो मजा आता है ना, मतलब जो नीट एंड क्लीन फील होता है, उसका एक अलग ही मजा है। देख रहे हो कितना सारा बर्तन है, देखो। बिचारी बिचारी मम्मा अकेले अकेले थोड़ी ना। बहुत कम ही बर्तन है रहने के लिए, लेकिन मजा आ रहा है। हम लोग क्या है ना, तुरंत तुरंत धो लेते हैं, तो बर्तन कम होता है, तो साफ साफ दिखता है। अब नहीं धोना है ऐसा लगता है। अब आपको पूरा रूम दिखाते हैं, सब पूरा घर साफ होने के बाद। अब हो गया है पूरा काम। बर्तन ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, धुल चुका है। और यहाँ भी क्लीन हो चुका है। ये मटर उबालने रखी हूँ, वही सबको खाना है, पानी पूरी। उस दिन का पूरी ला के रखे हुए थे, तो ये है। और हमने नाश्ता में पोहा कर लिया है, तो अभी खाना नहीं बनाऊंगी, पानी पूरी बनाऊंगी। और मेरा रूम हो चुका है नीट एंड क्लीन, और मैं जल्दी से नहा के आती हूँ। तो ये बन रहा है मेरे डिमांड पे, क्या मिंट कूलर। इसमें शक्कर डल चुका है, थोड़ा सा नमक डला है, थोड़ा शक्कर और डालूंगी। और ये है अदरक, और ये खूब सारा मिंट के पत्ते हैं, और 6 से 7 चम्मच करीब डाल दी। और नींबू डलेगा इसमें, तो लेमन मिंट जिंजर कूलर बोलना चाहिए इसको पहले। ये देखिए एकदम क्रश क्रश हो चुका है, बर्फ, मिंट और अदरक। और ये अब नींबू डाल देंगे अच्छे से। नींबू के ये पल्प डाल दीजिए, तो खट्टापन उसका और अच्छा आ जाता है। को छन्नी से छान लीजिए, बिल्कुल गन्ना रस जैसे लगता है, बहुत टेस्टी। जिया को पसंद है गन्ना रस, तो एक बार टेस्ट करके बताएगी जिया भी। बहुत अच्छा है।
pieces. Everything that brought me alive. But we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no end in mind. तो कैसा लगा आपको ड्रिंक पी के? ड्रिंक पी के मैं झूम रहा हूँ मतलब ओरिजिनल से भी बेटर। ओरिजिनल जो गन्ने का रस होता है ना, मतलब मेरे को फर्क ही समझ में नहीं आता कि मैं गन्ने का रस पी रहा हूँ या मैं कोई शरबत पी रहा हूँ या मैं कूलर ड्रिंक पी रहा हूँ। ये सब का कॉम्बिनेशन था, कूलर ड्रिंक था, लेकिन एक्चुअल में उसका जो टेस्ट था वो गन्ने का रस विद पुदीना एंड नींबू। और ये है मटर और आलू जिसको साथ में उबाल लिए हैं, नमक और हल्दी डाल के। और ये है उबला हुआ चना और पुदीना पत्ती जिसका हम बनाएंगे पानी। पुदीने की पानी बनाने के लिए खूब सारा धनिया, खूब सारा पुदीना, मिर्ची, अदरक। अदरक को इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी। और नमक, इसको अब थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूंगी। इमली को भिगा दी हूँ, इसको पीसने के बाद उस इमली के पल्प को इसमें डालेंगे। देखिए अच्छे से पीस गई है। अब इसमें ये इमली को अच्छे से भिगा के इसका पल्प निकालूंगी और उसी में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से इसका इमली का रस निकाल के इसमें डाल दी। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। ये काला नमक, अब इसको मिक्स करके इसको टेस्ट कर लेना है। और जीरा पाउडर जरूर डालिएगा। पुदीने के पानी में थोड़ा सा ही शक्कर डालना है। ये क्रश किया हुआ जीरा पाउडर। ये पानी, पूरी का पानी तैयार है। उबला आलू ले लिया, उस पे उबले हुए चने, प्याज, मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ा काला नमक मिक्स करना है। और ये तैयार है जीरा पाउडर भुना हुआ। ये गया चना, प्याज, आलू और ये पानी। प्रिंस बताओ कैसा है, खा के देखते हैं। यम। मुझे तो मजा ही चाह गया बस खा के। वाओ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा माँ को। यम्मी। हमारा पानी पूरी खाना हो चुका और अब थोड़ा सा बाहर आए हैं हवा का मजा लेने। बहुत अच्छी हवा चल रही है। गर्मियों में पौधों की रखवाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा गुलाब का पौधा का हवा चल रही है। ये विष्णु कांति का पौधा कितना अच्छा से हो गया है। फूल भी बहुत सारे खिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जा रहा है सीढ़ियों में हमारे घर तक। और ये इतने सारे पुदीने पत्ते जिसका हम लोग डेली मजा लेते हैं, नहीं यार? Yes. ओ देखो मेढक इंतजार कर रहा है। मेरा भी शूट कर दो करके। ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा पेड़ में सोच रहा है कि कैसे चढ़ूं मैं। जब हम लोग आए थे तो ये हम लोग यहाँ पे इसी को इतना छोटा सा था। ये 4 साल हो गया हमको यहाँ और ये इतना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर।
जरूरी है बाहर निकलना, थोड़ा सा अपने आसपास फ्रेश एयर लेना, नहीं तो घुटन सा महसूस होने लगेगा। और अगर आप ऐसे जगह में हैं जहाँ का इन्वायरमेंट एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी वाला है तो ज़रूर निकलिए, है ना। हाँ, ये देखिए एक और छोटा सा पपीता हो रहा है और एक बड़ा पपीता वहाँ है। और ये देखिए मोगरे का फूल जो हमेशा खुशबू फैलाते रहता है बहुत ज़्यादा। देखिए और ये है प्याज, और वो भी है प्याज, ये भी है प्याज, और वो है लाल भाजी जो थोड़ा सा हुआ है। ओ देखिए तितली, अगर आपको दिखेगी तो प्याज उड़ती चली गई। देखो कितना बड़ा है प्याज, को उखाड़ भी दिया, नहीं उखड़ा हुआ था, उखड़ा हुआ था। ऊपर से भी निकली, हाँ हाँ, और इसका जो मेरे हाथ पर छू के निकली है पूरा उंगली को। हाँ, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये भी एडेबल है। ये सैलड में ज्यादातर इंग्लैंड अमेरिका कभी कभी हम लोग भी यूज करते हैं सैलेड में ऐसे। मंचूरियन में तो डलता ही है बेटा ये। हाँ, तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से काट काट के डाल देते हैं मस्त। तो सुन लीजिए, ग्रीनरी में रहने का डिसएडवांटेज, मकड़ी के जाला आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिलेगा। नीचे उतरोगे वैसे ही मकड़ी का जाला, लिजर्ड बहुत रहेंगे जो छुपकली से डरते हो तो वो ना रहे, सांप बहुत सारे मिलेंगे काम के वक्त, और केकड़े भी मिलेंगे। हाँ, केकड़े और मछली। अगर आपके पास पॉन्ड है पीछे में आपके घर के, जाके देखना, वहाँ पे एक ना एक तो केकड़ा मिलेगा ही मिलेगा। मुझे हजारों केकड़े मिले थे। हाँ, ये तो है, हमारे यहाँ बहुत सारे केकड़े हैं। हाँ, और बहुत, अगर आप जापानीज हो चाइनीज हो तो आपके लिए केकड़े एकदम अच्छे हैं, खा लो कट। सुन लिया, तो ग्रीनरी जितनी अच्छी है उतनी भी खतरनाक है, तो खतरनाक से हमको बचना है और अपने घर की साफ सफाई पे ध्यान देना है ना प्रिंस। हाँ। और ये हमारा चाय मलाई मार के, ये मेरा और ये राम का चाय तैयार हो चुका है। भर के बड़ा वाला कप दिख रहा है यार, नहीं तो दिख रहा है, नहीं है भी, देखो कितना बड़ा कप, लेकिन इतना बड़ा कप है, दिन भर में कहाँ दोबारा पी होता। तो नहीं नहीं, मॉर्निंग लिए थे बस। खैर, मुझे तो इतना चाय चाहिए ही। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हमारे वीडियो देखते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं आगे भी, और शादी के ब्लॉग्स भी आएंगे, तो ज़रूर देखिएगा, देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जो मैंने ड्रिंक बनाया है उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको 100% पसंद आएगा, मस्ट ट्राई है, और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज का व्लॉग यहीं तक का है, बाय बाय।